बस पर डस्की, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ जो कि मुझे आज रियलाइज हुआ। आई लव यू ना डस्की। समझी तू? कोई नहीं समझ पाएगा। आई लव यू। This easiness is the easiest. मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं पते की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि दारू पी के इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ भी नहीं, ये सारा सामान अर्जुन के लिए। क्यों, उस दिन बेइज्जती कम करवाई थी जो आज करवानी है? आयान, देख जब बच्चा घर में आता है ना तो सबकी तरफ से गिफ्ट आते हैं, दादी की तरफ से, चाचे की तरफ से। मेरे पास नहीं उतना टाइम है, उतना प्यार है और नहीं उतने पैसे। रुक, मैं देखती हूँ। टूटा फूटा इंसान। जी कहिए। बच्चे के चांदी के कंगन का ऑर्डर था जी, उसकी डिलीवरी के लिए। कितने पैसे हुए जी? 3,200 रुपए। एक सेकेंड ना, मैं पैसे लेकर आती हूँ। सुमन पर्स पकड़ाना। अरे मैं तो भूल गई, मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए। तो बस तो पैसे ही नहीं है। सुमन तेरे पास पैसे हैं? हाँ ना, मैं देती हूँ ना पैसे तुम्हें। अरे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से होंगे? मेरे खत्म हो गए तो तुम ही ने दिए थे ना। हाँ वंदना, वो खर्च हो गए ना सारे। आयान तू दे दे यार पैसे। मैं क्यों दूँ? मॉम मेरे पास फालतू के काम के लिए पैसे नहीं है। फालतू? सुमन तुझे पता है मेरे पास है ना आयान की फीस देने के पैसे नहीं थे, तो मैंने सोने की चेन बेच दी थी, तब तो नहीं लगा मुझे फालतू। बस 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 बस, ये पकड़ो अपने पैसे कंगन। थैंक यू। आई लव यू। अर्जुन तू घर चल, देख बहुत देर हो रही है और तूने बहुत दारू पी लिए, चल। नहीं घर नहीं, घर में रूल्स हैं, सन्नी रूल्स। यहाँ कोई रूल्स नहीं है, घर में घास फूस है, यहाँ पर आलू का पराठा है, घर पे माया है यहाँ, और यहाँ पर मेरे दोस्त है। मुझे छोड़ के जा रही है, जॉब छोड़ के जा रही है, माया की वजह से जा रही है। मत जा डस्की, तू मुझे माया के पास किला छोड़ देगी। अगर मेरी माया से लड़ाई होगी तो मुझे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा मुझे? मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा? माया मेरी बीवी है,
और वो हम दोनों का ये समझ ही नहीं पाएगी कभी. Are you getting what I'm trying to say, or are you not getting what I'm trying to say? Whatever it is, I love you. बोलूं बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं तू मच हो गया यार. मतलब कि माया बुरी है, पागल है, माया माया माया. देख ऐसा ही बोलती रहेगी ना तो जो अर्जुन ने किया ना मुझे वो सही समझना पड़ेगा. वंदना तू दादी बनने वाली है और माया माँ बनने वाली है. इसी बात का तो मुझे डर है क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि माया इस बच्चे को अर्जुन को अपने करीब और हम सब से दूर करने के लिए इस्तेमाल करेगी. और तुम अभी कह रही थी ना टिपिकल सास, तो माया भी कौन सी नॉर्मल बहू है. वो एक बहुत मैनिपुलेटिव लड़की है और हमारा अर्जुन उसके जाल में फंसता चला जा रहा है और इस बात की मेरे बच्चे को समझ तक नहीं है. खाना नहीं खाया तुम नहीं थे ना खिलाने के लिए, बिजी थे काम में. अर्जुन तुमने सही कहा था, हमें ना सेलिब्रेट करना चाहिए एक नई शुरुआत के लिए, जहां पर छूट हो, थोड़े से आंसू हो और टूटे हुए सपने. मैं क्या कर रही तुम? तुमने तो कहा था ना ये हमारे बच्चे के लिए खराब. हमारा बच्चा सिर्फ मेरा अर्जुन, क्योंकि तुम तो उसकी जिंदगी में होगे नहीं. तुम तो पीकर गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर चुके होंगे और तुम अच्छे से जानते हो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं वहीं के वहीं मर जाऊंगी. तो हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा ही नहीं. मैंने कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और शायद तुमसे भी उम्मीद रखना मेरी ही गलती थी अर्जुन. मैंने सोचा कि मेरी खुशी, मेरे बच्चे की खुशी तुम्हारे लिए तुम्हारी कुछ स्ट्रिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. But I guess I was wrong. Please, ma'am, I'm sorry. Ma'am, please, तुम मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को क्यों दे रही हो? Don't put this on me. सजा मैं नहीं दे रही हूँ, सजा तुम दे रहे हो अपने बच्चे को उसकी माँ का दिल तोड़ के.
ऐसे वक्त में तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए ना हर पल, इस बच्चे के साथ रहना चाहिए हर पल, लेकिन तुम झूठ बोलकर बहाने बनाकर मुझे दूर जा रहे हो, तो शायद शायद मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, है ना? मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस बेबी की खुशी में, हमारी खुशी अर्जुन, हमारी खुशी में कोई और कैसे आ गया? हमारी खुशी में और कोई नहीं आया। आया है अर्जुन, खुद तुम आए हो हमारी खुशी में। जिस अर्जुन से मैंने प्यार किया है ना, वो मेरे साथ ऐसे कभी नहीं करता। ये अर्जुन तो कोई और ही है, जिसे ना मेरी फिक्र है ना मेरी बच्चे की फिक्र है, उसे सिर्फ अपनी खुशी दिखाई देती है। I'm sorry, माया, मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगा। आज के बाद तुम जो कहोगी मैं करूंगा, I promise. Because I really love you. मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, माया. रास्ता ही बंद कर दूंगी मैं। आज सिर्फ तू है और मैं। I love you. अरे बेटा अभी तो हम दुकान बंद कर रहे हैं। प्लीज बना दीजिए ना, प्लीज। अच्छा बेटा बना लेते हैं। थैंक यू। और दिखा, और दिखा। How nice to see you. मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अर्जुन की खुशी से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। अर्जुन घर पर है। माँ, एक्चुअली अर्जुन का ही आपको और अयान को देखकर शायद अर्जुन से कहो माँ और आयान आए हैं, हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं। माँ, ओके। आयान, माँ,
अर्जुन अब भी माँ पर और तुम पर बहुत गुस्सा है, और मैं नहीं चाहती कि जिस रिश्ते में ऑलरेडी इतनी दूरी है वो कहीं रिश्ता टूटेगा नहीं। बच्चा अपनी माँ से चाहे कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा हो, माँ अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती। तुम चाहते हुए भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती, खुद अर्जुन भी नहीं तोड़ सकता। तुम जाकर उससे कहो कि उसकी माँ आई। Really sorry. मैं नहीं चाहती कि अर्जुन का गुस्सा आपको सुनाई दे और आपको तकलीफ हो। I'm sorry. आपकी फेवरेट माया भाभी ने घर में आने तक के लिए नहीं कहा। मॉम भाभी नहीं, ये सब कुछ आपके बेटे की वजह से हो रहा है। अर्जुन की वजह से भाभी ने हमारे मुंह के ऊपर दरवाजा बंद किया है। और कितनी बेइज्जती सहने का प्लान है आपका? आपके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ, ऐसी बेइज्जती करवाने के लिए? अपने अपनी इज्जत होते हैं तो उनसे बेइज्जती कैसे? ये सारा माया का नाटक है। एक बार अर्जुन को पता चल गया ना कि उसकी माँ और उसका भाई आए हैं उससे मिलने, वो भागा चलाएगा, देखना। वो एक्चुअली अर्जुन अभी तक सो रहा है, कल काफी लेट हो गया। I'm so sorry. वो बाहर नहीं आना चाहिए, से मिलना भी नहीं चाहता। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। I'm so sorry. मुझे अर्जुन से अभी के अभी मिलना है। मुझे पक्का यकीन है इसने बताया ही नहीं होगा अर्जुन को। मॉम, जो आदमी बाहर आके अपनी माँ के पैर नहीं छू रहा, मैं उसके पास आपको नहीं जाने दूंगा। अयान, पर क्या मॉम, भाई ने बेल नहीं सुनी होगी, पूछा नहीं होगा कि कौन आया। मॉम इतनी भी साइड मत लो कि सारी गलतियां आपको सही लगने लगे भाई की। भाभी ये गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। चले मां। मां एक सेकंड। एक दिन अर्जुन ने कहा था कि आपका हर आशीर्वाद दो में बटेगा, लेकिन आज वो आशीर्वाद तीन में बटेगा, अर्जुन, मेरा और हमारे बच्चे का। क्या फायदा मॉम, और कितनी बेइज्जती करवाओगे आप यहाँ पे? कितनी बार बोला था कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे लेके गए अपने साथ। अर्जुन क्या कर रहे हो? अर्जुन प्लीज, ये माँ ने बहुत प्यार से दिए हैं। अर्जुन प्लीज रुक जाओ। मॉम
आयान, आयान नहीं, आयान नहीं, मुझे मेरी कसम है, तू कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलेगा, चल यहाँ से, चल। लगता है वो आ गया। कितनी देर लगा दी आने में अर्जुन, सुबह उठ के ही जिम गए थे और अब आ रहे हो। जानते हो जब एक औरत माँ बनने वाली होती है ना, तो उसका अलग अलग चीजें करने को मन करता है। अलग अलग जैसे? सच्ची? सीरियसली? अच्छा तो तुम चेक कर रही हो कि मैं तुम्हारा और बंदर का वेट उठा सकता हूँ या नहीं? नहीं, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम वाकई में जिम गए थे या नहीं, कहीं फिर मुझसे झूठ तो नहीं बोला। माया, कब तक एक झूठ की सजा देती रहोगी मुझको? जब तक मुझसे झूठ बोलने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। चलो उठो, get up, get up. ख्याल क्या? अब कोई आइडिया भी नहीं आएगा, ये वादा रहा। अब जाओ, जाके चेंज करो। ओके। Yes, मेरी जान, बस पहुंच गया हूं। गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहुंच गया हूं, या। एक सेकंड। क्या बात हो रही है? आज बहुत सुंदर लग रही हो। ज्यादा सुंदर मत लगो। अगर ज्यादा सुंदर लगोगी तो फिर ब्लेम मुझे मत करना। इसके लिए? शरारत के लिए। तुम आज काफी सुंदर लग रही हो। हाँ माया, तुम एक काम करो, हम शाम को मिलते हैं, ओके? क्यों? अभी क्यों नहीं? चलो हम लंच साथ में करते हैं। ओके बाय। अर्जुन भी ना कोई भी काम बड़ा आसान बना देता है और हर बड़ी प्रॉब्लम को छुट्टी। मुझे तो लगा था कि छुट्टियों के लिए मना कर देगा, बट गेस व्हाट, पूरे एक हफ्ते की एक्स्ट्रा छुट्टियां दे दी। सो कूल। अरे ये हमने ही तो सिखाया है गुरु को कि इतना ठंडा होना। अरे वरना आप बताइए रिया मैडम कि माया मैडम के टाइम पे इस ऑफिस में इतनी गर्मी होती थी कि इस ऑफिस के सारे एसी भी टाए टाए।
सही है। माया मैम के साथ काम करना जैसे पनिशमेंट, लेकिन जब से अर्जुन ने टेक ओवर किया है फुल टाइम मस्ती। वो सबको इतना कंफर्टेबल फील करवाता है जैसे हम सब उसके दोस्त हो। यही तो काफी है अपने गुरु की। क्या देखनी मैंने यार, आज ऑफिस में हो कल चलेंगे। तू देख ले यार। ठीक है। May I come in? Come in. I'll call you. जब डब्बे वाली इतनी सुंदर हो भूख तो अपने आप लग जाएगी। फिर चाहे मैंने ब्रेकफास्ट एक घंटे पहले क्यों ना किया। प्यार में वक्त नहीं देखा जाता, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां वक्त थम जाता है, और जहां वक्त होता है वहां प्यार हाथ से निकल जाता है। ये प्यार कभी भी हाथ से नहीं निकलेगा जाने मन, इतना भरोसा नहीं है। भरोसा होता नहीं, दिलवाया जाता है। तुम काम खत्म करो, मैं लंच तक तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। ओके। काम? हाँ काम। तुम यहीं बैठोगी? Do you have a problem? No, no, no problem. I'll start working. May I come in, sir? Come in, Tanya. But no, sir. Only Arjun. Sir, वो actually मुझे लंबी छुट्टी चाहिए। अभी तो तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी दी। Actually मेरे boyfriend ने बोला कि अब हम जल्दी शादी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लंबी छुट्टी चाहिए, तो मैं job छोड़ रही हूँ। आप मेरी salary काट लेना। अर्जुन, आई मीन सर, आई मीन अर्जुन, मुझे ये जॉब छोड़नी है और ये मेरा रेजिग्नेशन। तुम्हें भी जॉब छोड़नी है? क्यों? वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई। तो कोई रूल है क्या कि बिना शादी के बच्चा नहीं हो सकता? मेरी शादी, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, तुम ये ले लो और मेरी सैलरी काट देना। रिया सर, मुझे ऑफिस बहुत दूर पड़ता है, मेरा रेजिग्नेशन। तो मेरा रेजिग्नेशन? माया जी, आप कुछ बोलेंगी या यूं ही बैठी रहेंगी? अगर ऐसे ये लोग सब चले गए ना, हो गया काम। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कंपनी तुम्हारी है, एम्प्लॉयज तुम्हारे हैं, तो प्रॉब्लम भी तुम्हारी हुई ना। लेकिन एक सोल्यूशन दे सकती हूँ। कैसे? मेरे पास एक्सपीरियंस है, काम भी थोड़ा सा है, तो मुझे एक मौका देंगे? मैं
कुछ भी करने के लिए तैयार। कुछ भी। हेलो। हाँ बे। हाँ मैं आता हूँ। माया कुछ काम है, मैं शाम को मिलूं। क्या करूं, ऑफिस में खिला दूं? बाहर कुत्तों को दे देना, एटलीस्ट उनसे वफादारी की उम्मीद तो रख सकते हैं। चल खाना लग गया है, खाना खा ले। होली के दिन तो दुश्मन भी गले लग जाते हैं, तेरा तो वो भाई है। देख बेटा, अगर तुझसे पहले उस पर कोई लंग लगा देगा ना, तो ये तो तेरे प्यार की इंसल्ट होगी। माया, मीटिंग कैसी थी? मीटिंग सुबह तब लड़खड़ाती है जब कदम डगमगाने लगते हैं। मीटिंग कैसी थी अर्जुन? हैप्पी होली माया, ये थी मेरी मीटिंग, डेस्की का आइडिया और मेरा झूठ। तुमने मुझसे झूठ बोला? डेस्की का आइडिया था, उसने कहा कि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना चाहिए, सो एक छोटा सा झूठ बड़ी सी खुशी के लिए। ये है हमारे आने वाले बेबी के लिए आर्य, अर्जुन और माया का आर्य। बहुत भूख लगी, कुछ खिलाओगी? कोई तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता अर्जुन, हमारे बीच कुछ नहीं आ सकता, झूठ भी नहीं। मॉम आप नहीं समझ रही, उसे लगता है कि हम उसकी खुशियों के आगे आ रहे हैं। मॉम आप क्या चाहती है, कि मैं उसे वापस से फोन करूं, वो मुझे वापस से गालियां दे? हम वो खुश है अपनी जगह पे, उसे प्लीज खुश रहने दीजिए। आयान बेटा, वो तेरा भाई है, तू जब से पैदा हुआ है ना,
हर होली पर सबसे पहले उसने रंग तुझे ही लगाया है। आयान बेटा, तू अच्छी तरह से जानता है उसे। वो खुद नाराज होता है, खुद गुस्सा होता है और इंतजार करता है कि कोई अपना आकर उसे मनाएगा। हैप्पी होली डफर। हैप्पी होली। वैसे आज का क्या प्लान है? माया की पहली होली है और तू आ रही। ओके डन, मैं वहां पे आ रही हूँ। और अयान को भी ना। क्यों? मैंने अयान को बुलाया नहीं ना, कोई लंगर खुला यहाँ पर। तू आ रही है बस। पर अर्जुन, तू आ रही है बस। और हाँ, अंकल आंटी और शुभ को भी नहीं आना, क्योंकि फैमिली के नाम पे तो सिर्फ अब मात्र फैमिली बची है। ऐसा क्यों बोल रहा है यार डफर? बस आजा, मैं वेट कर। अर्जुन, मेरे बिना नहीं मतलब? यार तेरे बिना मन नहीं कर रहा। तो मन बना ले सुमन, मेरे अर्जुन के लिए। उसे अकेला मत छोड़। अर्जुन के लिए तो मैं कभी ना जाऊं। सुमन, तू मेरे अर्जुन को गलत समझ रही है। अर्जुन है ना बुरी तरह से फंस गया है। भगवान करे मेरे बच्चे की सारी मुसीबतें इस होलिका दहन में जल जाए। प्रॉमिस कर तू जाएगी प्लीज? माया, ये है हमारी नई शुरुआत और हमें किसी और की जरूरत नहीं है। डफर, डस्के, हैप्पी होली। हैप्पी होली। बहुत सुंदर लग रही हो। हैप्पी होली। वंदना आंटी और अयान कैसे? ठीक है, जितना उनको होना चाहिए। प्रेम अंकल और शुभ नहीं आए? वंदना एक्चुअली अकेली है वहां पे, तो इसीलिए वो दोनों उसी के साथ रुक गए। पूजा शुरू करें। मेरे अर्जुन की जिंदगी की सारी मुसीबतें दूर कर दूं। इतना भी क्या गुस्सा? बेचारी बहू माफी मांग रही थी, पर ये है कि टस से मस नहीं हुई। हमें तो लगा था कि माया इस घर में आके इस घर को बर्बाद कर देगी, लेकिन असली सांप तो इसके घर से ही निकला। अरे असली माँ हो तब तो असली सास बने ना। थैंक्स भाई, आज आपकी वजह से ये सब भी सुनना पड़ गया। अरे गुरु, हैप्पी होली। हैप्पी होली गुरु। हैप्पी होली गुरु। हैप्पी होली। हैप्पी होली। बढ़िया। सांझ, पूछा कर लो। Thank you.
दस की। तू ठीक है ना? तू ठीक है? पागल है क्या? अगर ऐसे कपड़े पहनने नहीं आते पहनते क्यों? दूंगा एक। होंगे कि आज होली की रात पर मैं दिवाली क्यों मना रही हूं? क्योंकि मैं भी इन दियों की तरह जल रही हूं। सांझ के दर्द के सामने अर्जुन को मैं दिखाई नहीं देती। तस्की ठीक है? क्यों क्यों अर्जुन को मुझे देखकर भी आपने पूरी तरह उसे मेरा नहीं बनाया है? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक अर्जुन चाहा है और कुछ नहीं। उसकी माँ ने हमें अलग करना चाहा। मैंने कितना समझाया उसे, मैंने दिल से समझाया उन्हें, लेकिन वो समझी ही नहीं। तो फिर मैं क्या करती? मुझे अर्जुन को उसकी मां से अलग करना पड़ा। और इस सब के चक्कर में बेचारा आयान अर्जुन से दूर हो गया। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। आप जानते हैं ना, आप ये भी जानते हैं कि सांझ और अर्जुन की दोस्ती मुझे हमेशा से खटकती रही है। लेकिन मैंने कभी कभी उनकी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहा। पर अब मुझे बीच में आना पड़ेगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि अर्जुन ये सब नहीं समझता। अर्जुन बहुत भोला है और मैं किसी को भी अर्जुन के भोलेपन का फायदा उठाने नहीं दूंगी। वाओ माया, होली मुबारक हो। क्या अरेंजमेंट्स किए हैं यार? यार हमारा तो ना होली में लोगों को कीचड़ में डाल दो, होली हो गई। इतनी क्लासी होली यार मैंने आज तक नहीं खेली। ये तुम्हारी और मेरी पहली होली है एंड आई वांटेड एवरीथिंग टू बी स्पेशल। तुम्हारी पहली होली का पहला रंग हो जाए। ओके कम, व्हिच कलर यू वांट माया? Happy Holi. Happy Holi. Chappar. Ski. तेरा और मेरा होली ट्रेडिशन। सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगी तुझे और फिर तू मुझे लगाएगा। Okay then. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi, Maya. Happy Holi, Saanjh.
हैप्पी होली। घर में सब ठीक है? अगर माँ और अयान आज आ जाते तो कोई बात नहीं, आप चलिए माँ से मिल लीजिए। आंटी को कॉलर लगाना है। हाँ जा। अब होली की शुरुआत तो मिठाई से होनी चाहिए। आ, क्या मिठाई है? और ये मुझसे मुझसे ए, नहीं नहीं नहीं, इसका एक से काम नहीं चलेगा, साइज में मत जाओ। हैप्पी होली! अभी आई, मैं अभी आई। आज आप लोग मेरे गेस्ट हैं, अर्जुन के गेस्ट हैं। सो एंजॉय योरसेल्व्स। नहीं पी सकती। अरे शादी ठंडा ही है यार। भर गया मेरा। And now for me? No, माये मुझे ऑलरेडी दो ग्लास पिला चुका है, मेरा पेट भर गया। अरे डस्की, ये सिर्फ ठंडा ही है, पी लो। अच्छा मेरे लिए ना सही, अर्जुन के लिए। क्या माल है? कमाल है? धमाल है? One more. दिल मांगे मोर। Cheers. Finish. ये तो टू मच हो गया।
अर्जुन अपनी बीवी के सामने? माया मैम को कितना बुरा लग रहा होगा। गुरु ये गलत करा तुमने, अगर माया मैडम को गुस्सा आया ना तो तुम्हें तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता इस दुनिया में। माया, I'm sorry. वो शायद सांझ ने कुछ It's okay. सांझ और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त हैं और शायद दोस्ती में ये सब चलता है। It's okay. नहीं माया, ये okay नहीं है। अगर ये okay होता तो तुम इतना उदास ना होती। ये उदासी सांझ और अर्जुन के लिए नहीं है। उदासी इसीलिए है क्योंकि अब सांझ और अर्जुन का रिश्ता लोगों की नजरों में आ रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर लोग हमेशा लड़की को गलत समझते हैं। मैं सांझ और अर्जुन के रिश्ते को अच्छी तरह समझती हूँ लेकिन शायद लोग नहीं समझेंगे। और इस दुनिया में रिश्ता या तो खून से होता है या तो बंधन से, लेकिन दोस्ती में तो सिर्फ दिल होते हैं ना। इट्स प्योर फ्रेंडशिप। कई लोग इन दो दिलों को गलत ना समझ बैठे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.